विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है और ये उत्तर भोपाल की सीट है, सबसे सेंसिटिव सीट है, बहुत ही चर्चित सीट है और यहाँ पे अभी तक कांग्रेस का एक साम्राज्य रहा है और अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से नए प्रत्याशी के रूप में, चर्चित प्रत्याशी के रूप में भाई खड़े हुए हैं। भाई अपना पूरा परिचय देंगे और आगे के बारे में बताएंगे। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू। ये जो उत्तर का चुनाव है, हर बार हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़ा गया, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। आप अबकी बार एक नई चीज लेके, नई ऊर्जा, नए संचार के साथ आप आएंगे, आपका इस विषय पर क्या चुनाव? इस बार विकास की बात चुनाव होगा, किसी पोलराइजेशन पे किसी के बहकावे में जनता नहीं आएगी। सारे वोटर्स यहाँ की जनता केजरीवाल जी की योजनाएं देखते हुए, आप पार्टी की योजनाएं देखते हुए और उनका दिल्ली और पंजाब का काम देखते हुए यहाँ पे वो इस बार आप पार्टी को वोट देंगे। उत्तर के अंदर विकास के लिए आपके लिए कोई नई चीज है? देखिए, नई चीज तो जब आएंगे जब करेंगे, फिलहाल जो मूलभूत सुविधाएं उनको सुधारेंगे। आम आदमी आज बिजली के बिल से परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स से परेशान है, महंगाई से परेशान है, रोजगार के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा कर पा रही है सरकार, इस विषय में क्या कहें? देखिए, आप पार्टी जो है, केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर नवंबर हम आए या सरकार बनी तो नवंबर तक बिजली के बिल माफ होंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और स्वास्थ्य के लिए और जो सबसे ज़्यादा जहाँ आम आदमी की कमर टूटती है वो बिजली का बिल और बच्चों की फीस, इसमें वो बहुत राहत देंगे। जो हमारे गारंटी कार्ड के अंदर दिया हुआ है और जनता का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये योजना लाए हैं, लेकिन जनता पर इसका फायदा होगा। कैमरा पर्सन सुधीर गुप्ता के साथ मनोज सक्सेना, लेदर न्यूज चैनल भोपाल।